Hello students, let's start our third capsule of 20 minutes, chapter inequalities. Last capsule we introduced Baedeker method, उसी को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाते हुए. Last lecture में हमने देखा कि x minus 1, x minus 2 greater than 0 के लिए हमें कैसे करना था. हमने कहा था कि इसके zeros को indicate करते हैं real number line पे 1 और 2. इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं रियल नंबर लाइन को. राइट मोस्ट से स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव साइन के साथ, अल्टरनेट करते रहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव. इस तरीके से हम बेबी कर्व इस पे अप्लाई करते हैं. अगर ये पूछा गया ग्रेटर देन जीरो, हमने आंसर बताया था कि अगर ग्रेटर देन जीरो आपको चाहिए तो आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके वन, यूनियन टू से इन्फिनिटी. यहाँ पे यूनियन का काम क्या है, इन दोनों इंटरवल्स को कंबाइन करता है. अगर यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो की बजाय किसी ने ये पूछा होता कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लेस देन जीरो कब होगा, तो भाई लेस देन जीरो के लिए साफ साफ दिख रहा है नेगेटिव कब होगा, जब x वन से टू के बीच में होगा. तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू वन टू टू. लेकिन कोई इन दोनों के अलावा ये भी पूछ सकता था कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा. तो ग्रेटर देन जीरो कब है, वन से पहले, टू के बाद. लेकिन इक्वल टू जीरो क्या कब हो रहा है, अगर वन यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, टू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो टू माइनस टू जीरो हो जाएगा. तो ये दो वो पॉइंट्स हैं जहां पे ये एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है. तो अगर किसी ने पूछा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इस आंसर में वन और टू जोड़ने पड़ेंगे, एड करने पड़ेंगे. जैसे ही हम वन और टू जोड़ेंगे तो यहां पे वन और टू के ओपन इंटरवल थे वो क्लोज इंटरवल में कंबाइन हो जाएंगे. दिस विल बिकम एक्स belongs to minus infinity to 1 closed interval union 2 closed interval से लेके infinity तक. On the other hand, कोई इसमें भी थोड़ा सा चेंज करके ये पूछ सकता है x minus 1 into x minus 2 less than or equal to 0. तो similarly जैसे यहाँ पे क्या चेंज हुआ था, 1 और 2 add हो गए थे, less than or equal to 0, less than 0 है 1 से 2 के बीच में, equal to 0 है 1 और 2 पे. तो आंसर विल बिकम x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 टू 2. अब अगर कोई ये पूछ ले कि भाई इन इंटरवल्स को ऐसा करो इंडिकेट और कर दो रियल नंबर लाइन पे, तो फॉर एग्जांपल हम इस वाले इंटरवल को कहें माइनस इनफिनिटी से 1 टू 2 इनफिनिटी. अगर रियल नंबर लाइन पे इंडिकेट करना होता तो ये वाला इंटरवल कैसा होता, माइनस इनफिनिटी से चला आ रहा है, कहां तक आएगा 1 तक. क्या 1 को इंक्लूड करना है, नहीं, 2 से लेके इनफिनिटी तक 2 को इंक्लूड करना है, नहीं. अगर इस इंटरवल को इंडिकेट करना होता 1 से 2 के बीच में, तो ये क्या होता, 1 को इंक्लूड करना है, नहीं, 2 को करना है, नहीं, 1 से 2 के बीच के सारे नंबर्स. अगर इस इंटरवल को इंडिकेट करना होता माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी. यहाँ पर दूसरी रियल नंबर लाइन बना देते हैं, वहां पर भीड़ ज्यादा हो गई है. दिस इज 1, दिस इज 2, और हमने कहा इस इंटरवल को इंडिकेट करो. अब क्या करेंगे, इसके लिए क्या किया था, वन इंक्लूड नहीं किया था, टू नहीं किया था, यहां पर वन भी होगा और टू भी होगा. तो द इंटरवल विल लुक लाइक कि यहां तक आए माइनस इन्फिनिटी से, वन को इंक्लूड किया, टू को इंक्लूड किया, कहां तक गए, इन्फिनिटी तक. ये इंटरवल हो गया ये. अगर किसी ने कहा वन से टू तक क्लोज इंटरवल, तो उसमें क्या चेंज होगा कि वन भी होगा, टू भी होगा, वन से टू के बीच के सारे नंबर होंगे. रिमेंबर, डॉट मतलब इंक्लूडेड, सर्कल विद अ डॉट नॉट इंक्लूडेड, सम्मिलित नहीं किया गया है, सम्मिलित किया गया है. तो यहां पर ये वन और टू सम्मिलित नहीं किए गए थे इन दोनों केसेस में. किस केस में, इसमें और इसमें, क्योंकि ये ओपन इंटरवल थे, ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो. जब ग्रेटर देन इक्वल जीरो हुआ, लेस देन इक्वल टू जीरो हुआ, तो वन और टू को इंक्लूड किया गया, डॉट्स यूज किए गए, सर्कल यूज किए गए. क्वाइट क्लियर, काफी आसान सी चीज है, सिंपल टू अंडरस्टैंड. इसी इनइक्वालिटी में चार चीजें उन्होंने पूछ ली, एक्सप्रेशन यही था ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू जीरो. इनइक्वालिटीज में कंपैरिजन हमेशा जीरो के साथ ही हो रहा है, आरएचएस जीरो है हमेशा. इसी में थोड़ा सा अगर हम वेरिएशन करें, इफ वी डू लिटिल वेरिएशन एंड द वेरिएशन इज सपोज इन प्लेस ऑफ टू फैक्टर्स, अगर हमारे पास तीन फैक्टर हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा.
इसमें हल्का सा वेरिएशन करना पड़ेगा आपको। क्या वेरिएशन करना पड़ेगा? एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, किसी ने पूछ लिया ग्रेटर देन जीरो, ये कब होगा? तो आपको वेवी कर्व मेथड का सिंपल सा फंडा याद रखना है। फंडा क्या है कि भाई रियल नंबर लाइन पे इंडिकेट कर दो किस किस को, वन टू एंड थ्री को। रियल नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड होगी? चार पार्ट में, दो रूट तीन पार्ट में डिवाइड, तीन रूट चार पार्ट में डिवाइड। स्टार्ट कैसे करना है? राइट मोस्ट से, किस साइन के साथ? प्लस साइन के साथ। ऑल्टरनेट करना है, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। हमसे क्या पूछा है? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो कहां कहां पर है? वन से टू के बीच में, थ्री से आगे। तो आंसर फॉर दिस विल बी एक्स बिलोंग्स टू वन टू टू यूनियन थ्री टू इनफाइनाइट। अगर इसी में हमसे किसी ने पूछा होता कि दिस एक्सप्रेशन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो कब होगा, और आंसर वुड हैव बीन हमें लेस देन जीरो मतलब दो से तीन के बीच में या वन से पहले, तो आंसर विल बी एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू वन यूनियन टू टू थ्री। तो इससे अब आपको पता लग गया होगा कि अगर आपके पास दो की बजाय तीन नहीं पांच नहीं दस फैक्टर हैं तो करना क्या है आपको? सिंपल ये करना है, रियल नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है, राइट मोस्ट से स्टार्ट करना है प्लस साइन के साथ, ऑल्टरनेट माइनस प्लस करना है। अगर ग्रेटर देन जीरो पूछा है तो प्लस पिक करना है, लेस देन जीरो पूछा है तो माइनस पिक करना है। इक्वल टू जीरो पूछा गया होगा तो एंड पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाएगा, अगर इक्वल टू जीरो नहीं पूछा गया है तो एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी में ये चीज पूछ लिया होता कि एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो, इसमें इसमें क्या फर्क है? सिर्फ इक्वल का फर्क है। तो यहां पे क्या होगा आंसर में डिफरेंस? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू वन क्लोज्ड इंटरवल यूनियन टू टू थ्री क्लोज्ड इंटरवल। एक चीज आप देख सकते हो यहां पे, इसमें और इसमें आंसर्स में डिफरेंस क्या है? सिर्फ जो पॉइंट्स हैं वन टू थ्री इनको इंक्लूड कर लिया गया। आप कहोगे माइनस इंफिनिटी को भी इंक्लूड कर लो, वो कभी इंक्लूड नहीं होती किसी भी आंसर में। सिर्फ जो इंक्लूड करने लायक पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जहां पे एक्सप्रेशन जीरो बनता है। ठीक है, अनदर कॉन्सेप्ट इन दिस कैन बी, जो हमने सबसे पहली चीज बताई थी वेवी कर्व मेथड में, कि भाई अगर आपको वेवी कर्व मेथड अप्लाई करना है तो यू मस्ट मेक श्योर, यू मस्ट एनश्योर दैट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव इन ऑल द फैक्टर्स। अगर आपको कुछ ऐसा मिल गया एक्स माइनस वन इंटू टू माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्या इसका आंसर भी वही होगा जो पहले हमने निकाला था? नहीं, आंसर इज नो। आपको पहले एंश्योर करना पड़ेगा कि एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव हो। अब एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव करने के लिए छोटा सा बीच में कॉन्सेप्ट आपको ये बता रहे हैं कि इनइक्वालिटी में अगर आपको ऐसा दे रखा है कि ए ग्रेटर देन बी, कोई भी ये दो रियल नंबर्स हो सकते हैं, और अगर आप इस इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, माइनस से मतलब माइनस वन से अगर मल्टीप्लाई करते हो, तो व्हाट विल हैपन इज कि इस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इनइक्वालिटी के पास रिवर्स करने के लिए है क्या? ग्रेटर का लेस कर लो, लेस का ग्रेटर कर लो। तो द मोमेंट यू मल्टीप्लाई दिस विद माइनस साइन, माइनस ए विल बी लेस देन माइनस बी। आपने जैसे माइनस से मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। ऑन द अदर एंड अगर ए लेस देन बी है, इसमें आपने माइनस का मल्टीप्लाई किया माइनस ए, माइनस बी लेस देन का साइन ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट नोट इट डाउन। ए ग्रेटर देन बी, माइनस से मल्टीप्लाई किया ग्रेटर का लेस हो गया, ए लेस देन बी माइनस से मल्टीप्लाई किया चेंज हो गया। अब यहां पर अगर मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी में कैसे चेंज होगा? माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू टू माइनस एक्स जीरो इंटू माइनस वन, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करने में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया था, ग्रेटर का क्या बन जाएगा? लेस। इस माइनस को हम क्या प्रयोग करेंगे? कभी कभी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई किया सारे ब्रैकेट में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिमेंबर अगर ए इंटू बी इंटू सी होता है तो ये ए ऐसा नहीं है कि कोई बुलेट है सब में से घुसती हुई निकल रही है, सारे चीजों से मल्टीप्लाई होगी, ये किसी एक चीज से ही मल्टीप्लाई हो सकता है, या तो ए बी से मल्टीप्लाई हो सकता है या ए सी से मल्टीप्लाई हो सकता है,
ऐसा नहीं है ए बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है सी से भी। ये कॉमन मिस्टेक है बच्चे करते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई किया सारे फैक्टर को कर दिया, किसी एक फैक्टर को भी मल्टीप्लाई कर सकता है। तो हमें किसकी जरूरत है, इसके लिए, क्योंकि इसका कोफिशियंट पॉजिटिव करना है। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, एक्स माइनस वन, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस एक्स विल मेक यू प्लस एक्स, और इसको किया तो ये माइनस टू। ऐसे साइन चेंज हो रहा है, यहां पे लेस आ गया, जीरो से मल्टीप्लाई करके वो जीरो आ गया। अब इसमें वेवी कर्व अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कोफिशियंट ऑफ एक्स पॉजिटिव हो गया। रिमेंबर ग्रेटर देन जीरो के लिए, अगर थोड़ा सा मैं ये यहाँ पे ग्राफ बना दूं वन से टू, आपको याद होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर आपने ये मिस्टेक किया ना, ये दो तो फैक्टर थे, एक में वन था एक में टू था, ग्रेटर देन जीरो पूछा है आंसर कर दो वन से पहले टू के बाद, वैसा नहीं है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोफिशियंट ऑफ एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। उसको बनाने के लिए हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा, उससे पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। जो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो पूछा जा रहा था वो एक्चुअल में लेस देन जीरो है, प्योर वेवी कर्व मेथड का, जिसमें कोफिशियंट ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पूछा गया, तो ये लेस देन जीरो कब है, ये वन से टू के बीच में, आंसर इज वन टू टू। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि माइनस साइन किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास कुछ ऐसा हुआ एक्स माइनस वन टू माइनस एक्स इंटू थ्री माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, अब आप कहोगे कि ये यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो क्या होगा। अब इस केस में ऐसा होगा कि दोनों के एक एक माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा, इसको प्लस कर देंगे। वी कैन राइट दिस थिंग एज एक्स माइनस वन, माइनस वन कॉमन लेके एक्स माइनस टू, माइनस वन कॉमन लेके एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर के प्लस कर देंगे, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन में ग्रेटर देन साइन ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो माइनस थे, देयर वर टू माइनस, यहाँ पे सिंगल माइनस था। तो ऑड नंबर ऑफ माइनस साइन चेंज होगा, इवन नंबर ऑफ माइनस साइन चेंज नहीं होगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमने अभी तक दो चीजें ली हैं, मल्टीपल फैक्टर्स लिए हैं और नेगेटिव साइन को डील करना बताया। अब इनइक्वालिटीज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है कि भाई अगर, जैसे मैंने अभी बताया कि ए ग्रेटर देन बी है, और अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। इसी तरीके से हम थोड़ा सा और इसमें डील कर लेते हैं कि ए ग्रेटर देन बी में ये ऐसा हुआ, अगर हम स्क्वायर करें, स्क्वायर सब बच्चों को पता है बचपन से करते आ रहे हो छोटी क्लासेस से, कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन फोर का स्क्वायर 16। तो अगर किसी ने ए बी से बड़ा दे रखा है तो हम क्या कह सकते हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में आपस में कंपैरिजन कैसा होगा। इट ऑल डिपेंड्स कि अगर हमको केसेस बनाने पड़ेंगे इसमें, कि अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, पहला केस होगा कि इफ ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव हुए तो जीरो के राइट साइड पे होंगे, ए जो है बी के राइट साइड पे होगा, ए बी से बड़ा है। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ओरिजिन से डिस्टेंस पे, कि अगर ए बी से बड़ा है तो ए स्क्वायर भी बी स्क्वायर से बड़ा होगा। इस केस में, फर्स्ट केस में, कि केस वन, कि अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, ए ग्रेटर देन जीरो बी ग्रेटर देन जीरो, उस केस में क्या होगा, ए की डिस्टेंस ओरिजिन से बी की तुलना में ज्यादा है तो स्क्वायर भी उसका बड़ा होगा। केस टू, ए भी जीरो से छोटा है और बी भी जीरो से छोटा है। ध्यान देना इस बात का कि इस केस में क्या हो रहा है, कि अगर ये ओरिजिन है और ए बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, सेम थिंग, अगर ए बी से बड़ा है तो ए विल ऑलवेज बी ऑन द राइट ऑफ बी, ए बी से बड़ा है, लेकिन दोनों नेगेटिव हो गए, ए भी जीरो से छोटा है बी भी जीरो से छोटा है। ध्यान रखना, मैंने कहा था स्क्वायर में कौन सी चीज काम आएगी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जिसकी ज्यादा होगी उसका स्क्वायर बड़ा होगा। ए बी से बड़ा है लेकिन दोनों नेगेटिव हैं, डिस्टेंस ए की कम है बी की डिस्टेंस ज्यादा है, तो स्क्वायर किसका बड़ा होगा, बी का स्क्वायर बड़ा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर किसी ने इनइक्वालिटी में आपसे ये पूछ लिया कि भाई ए बी से बड़ा है तो बताओ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में क्या कंपेरिजन होगा, किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, तुरंत कह देगा हाँ भाई ए बी से बड़ा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होगा।
ऐसा नहीं है जैसा हमने यहां पे देखा कि अगर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव तब तो ए की दूरी बी की दूरी से ज्यादा है ओरिजिन से, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है स्क्वायर करने पे। स्क्वायर में बेटा साइन जो होता है वो छुप जाता है, सिर्फ उसकी डिस्टेंस रह जाती है, क्योंकि स्क्वायर करने पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मैटर करती है। तो यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा, लेकिन अगर ए बी से बड़ा है और दोनों नेगेटिव हैं तो ए इज ऑन द राइट ऑफ बी, ए इज मोर क्लोजर टू ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन इज लेस, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ओरिजिन इज मोर, ए स्क्वायर विल बी लेस देन बी स्क्वायर। केस थ्री, इसमें थोड़ी रह जाती है बेटा एम्बिग्विटी कि अगर ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, चौथा केस तो बन नहीं सकता क्योंकि ए अगर बी से बड़ा है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ए नेगेटिव हो बी पॉजिटिव हो। अगर हम चार केसेस की बात करें ए और बी, ऐसा हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो, ऐसा हो सकता है दोनों नेगेटिव हो, ऐसा हो सकता है ये हो, ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए बी से बड़ा है, कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी से बड़ी नहीं हो सकती। तो हम ये लास्ट केस अगर इसमें डील करें, इफ वी डील विद दिस, वी हैव बी, वी हैव ए और वी हैव ओरिजिन। नाउ वी डू नॉट नो, मतलब ये तो पता है कि हमें बी जीरो से छोटा है, जीरो के लेफ्ट में, ए जीरो से बड़ा है, बट वी डू नॉट नो कि ए जीरो से कितना दूर है, वी डू नॉट नो कि बी जीरो से कितना दूर है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं ए बराबर 3 और बी बराबर माइनस 1। इस केस में ए स्क्वायर क्या हो गया 9, बी स्क्वायर क्या हो गया 1, कौन बड़ा हो गया? ए स्क्वायर बड़ा हो गया बी स्क्वायर से। लेकिन जैसा यहां पर हो रहा है उससे अलग क्या हो सकता था कि अगर ए 1 है और बी माइनस 3 है तो अभी भी ए बी से बड़ा है, ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, ए का स्क्वायर क्या होगा 1, बी का स्क्वायर क्या होगा 9। अब देखो इस केस में क्या हुआ, गड़बड़ घोटाला हो गया, चेंज हो गया मामला कि ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर से छोटा हो गया। तो इन केस ऑफ ए पॉजिटिव बी नेगेटिव वी कांट से कि भाई कौन सी चीज किससे बड़ी होगी, कि भाई उस केस में हमने कह दिया कि हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होगा अगर दोनों पॉजिटिव हुए, अगर नेगेटिव हुए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा होगा। और इस केस में वी विल सिंपली से कांट से, हम कह ही नहीं सकते कि होगा क्या, कांट से, क्योंकि हमने दो केस देख लिए। इस वाले केस में क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा था, इस वाले केस में क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा था। तो हमने एक कंपैरिजन देखा कि भाई ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, तो हम ये नहीं बता सकते कि ए कितना पॉजिटिव है कितना बड़ा है, बी कितना नेगेटिव है कितना छोटा है कितना बड़ा है, तो उनके स्क्वायर डिपेंड करेंगे उनकी ओरिजिन से डिस्टेंस में, और वो इन्फॉर्मेशन यहां पे नहीं होगी, वो इन्फॉर्मेशन रियल नंबर लाइन पे जाके ही पता लगेगी। तो दिस इज अबाउट सम कंपैरिजन। नाउ इनइक्वालिटी का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है हाउ टू डील विद डिनोमिनेटर्स। फॉर एग्जाम्पल हमको पता है x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन जीरो, जो भी आपने देखा, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, आंसर क्या आया था, हमें बेबी कर बना दो 1 2 इंडिकेट कर दो, प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू 0 कहां पे हो रहा है, यहां पे लेस यहां पे इक्वल, आंसर इज x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 टू 2। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, मान लो हम कह दें x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, यहां पे गेम आ गया डिनोमिनेटर, हाउ टू डील विद डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू डील विद डिनोमिनेटर व्हाट वी डू, अ बेसिक स्टेप इज इन इनइक्वालिटीज इन केस RHS मस्ट बी 0, RHS 0 रखनी पड़ेगी आपको ये चीज अप्लाई करने के लिए, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि हाउ टू डील विद डिनोमिनेटर, हाउ टू डील विद डिनोमिनेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल RHS मस्ट बी 0 और कोई भी डिनोमिनेटर आपका है, वट एवर डिनोमिनेटर इज, मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी, मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी विद स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। जब मैं बेटा स्क्वायर कहता हूं, स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो नॉन नेगेटिव,
स्क्वायर ऑफ एनीथिंग ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन हम सबसे पहले क्या कहेंगे, कंडीशन डिनोमिनेटर में क्या लगेगी, RHS हमेशा जीरो होनी चाहिए। ये काम तभी कर सकते हो, ये मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी विद स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। इससे पहले RHS जीरो होना चाहिए और डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन हम पहले ही लगा देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो स्क्वायर पॉजिटिव ना होके जीरो हो जाएगा। अगर ए जीरो होता है तो ए स्क्वायर जीरो, अगर ए जीरो नहीं होगा तो हमेशा ए स्क्वायर जीरो से बड़ा होगा। तो हम कहेंगे डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और इससे इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो भी मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस टू का स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, स्क्वायर उसका पॉजिटिव, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इससे इसको कैंसिल कर दिया, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो से कंडीशन आई एक्स माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज नॉट इक्वल टू टू। रिमेंबर ये चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी, आपने प्रॉमिस किया डिनोमिनेटर से कि भाई तुम्हारे स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमें आपको जीरो नहीं बनाना, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब इस पे जो वेवी कर्व लगा था आंसर यही आएगा, एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, आंसर ये आ गया। लेकिन इस आंसर में इस प्रॉमिस को मिलाओगे कि क्लोज्ड इंटरवल वन टू टू तो है, लेकिन यहां तक पहुंचे कैसे, यहां से और यहां में क्या डिफरेंस है, यहां तक पहुंचे थे ये प्रॉमिस करके कि एक्स टू नहीं होगा, तो इस आंसर में चेंज ये होगा, द चेंज विल बी कि एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू टू, बाकी सब चीज एज इट इज सेम रहेगी, तो आंसर विल बी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल वन टू टू ओपन, क्योंकि टू ये हो नहीं सकता, एक्स को टू होना अलाउड नहीं है। आप सब्स्टिट्यूट करके देख लो, टू अगर यहां पर रखोगे तो क्या ये जीरो बन रहा है, टू पे रखने पे यहां जीरो रखने से ये नॉट डिफाइंड बन रहा है, जबकि यहां टू रखने से जीरो बन रहा है, ये डिफरेंस है इसमें। यहां का आंसर क्लोज्ड इंटरवल वन टू टू, यहां का आंसर क्लोज्ड एट वन ओपन एट टू। वन रखोगे तो जीरो बनेगा, टू रखोगे तो नॉट डिफाइंड बनेगा। सो दिस इज इट इन दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।